हम सभी दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं और चाय अगर बहुत ही बढ़िया हो तो सारा दिन हमारा अच्छा गुजरता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं निशात आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कि परफेक्ट टी कैसे बनाया जाए। तो यहाँ 2 कप चाय के लिए मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ सॉस पैन में और इसे हम बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तो पानी का कच्चापन नहीं रहना चाहिए, पहले पानी बॉईल करें और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ही दूध। तो हमने बिल्कुल ऊपर तक भर के यूज़ किया है दूध और पानी। तो फाइनली ये जो बन के तैयार होगी तो 2 कप चाय बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा इसमें ज़्यादा कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं। और इसको हम फिर से एक बार बॉयल आने के लिए देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ही यहाँ पर चाय की पत्ती। तो यहाँ पर नॉर्मल या जो भी आपकी पसंद की चाय हो आप उसको डाल दें और इसको अच्छी तरह से आपको बॉयल करना है। तो बॉयल करने का भी यही तरीका है कि एक बार ऊपर तक बॉयल होने के लिए दें और फिर सॉस पैन को हटा दें और फिर इसी तरह से लगातार आपको लगभग 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आई एम श्योर आप सभी इसी तरह करते होंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से बॉयल किया है और बॉयल करने के बाद इसमें जो एक मेन इन्ग्रीडियंट है वो मैं डालने वाली हूँ, वो है लॉन्ग लीफ टी। तो ये इसी तरह से मैं बनाती हूँ और एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो ये लॉन्ग लीफ टी इसमें हमने डाल दिया है लगभग 1 चम्मच और इसको हम बस एक बार बॉयल आने के लिए देंगे ऊपर तक और इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। तो ये बॉयल आ गया और गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया और ढक्कन से हम बंद कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रहने के लिए देंगे। तो इस तरह की लॉन्ग लीफ टी आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बस आपको 2 मिनट वेट करना है और लीजिए ये चाय हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ हमने कूलर में को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर रखा है, इसमें हम डाल देंगे चाय को या फिर नॉर्मल कप में भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी चाय बनकर के तैयार होती है। तो इस टिप को आप यूज़ करते हुए चाय ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो जाते जाते एक छोटी सी टिप और दूंगी कि चाय हमेशा पहले से उबले हुए दूध की ही बनाए तो ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।